नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जर्मन होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एडल 5 ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है आपको अगर एसिडिटी जैसी तकलीफ है या फिर आपके पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी है या फिर आपके पेट में अन्य रोग की समस्या है तो ये जो दवा है ये आप यूज कर सकते हो। आपको मिचली या फिर बहुत अधिक उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, पाचन क्रिया में कुछ गड़बड़ी है या फिर पेट में सूजन है या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी तकलीफें है, उस तकलीफ में ये जो ड्रॉप है ये बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, अगर आपको पित्त या फिर अम्ल की अधिकता आपके पेट में महसूस हो रही हो या फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अगर आपका पेट फूल रहा है, अगर आपको जलन महसूस हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है या फिर स्नायविक उत्तेजना जैसे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो ये जो ड्रॉप है ये बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है मनोविकार या फिर मानसिक तनाव से आपके पेट पर तेजी से असर होता है और आपकी पेट की जो कार्य क्षमता है उसमें बाधा बनती है, आपकी जो कार्य क्षमता है पेट की वो कम हो जाती है। अगर इस स्थिति में आप अगर एडल 5 ड्रॉप का सेवन करते हो तो आपकी ये जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपका मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। दोस्तों, ये जो दवा है ये आपकी पाचक ग्रंथियों का अगर कार्य है वो ठीक नहीं हो रहा है तो ये कार्य ठीक करने में भी ये दवा आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, ये जो एडल 5 ड्रॉप है इसमें बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मिली हुई है, तो हम हर एक मेडिसिन के बारे में अभी जान लेते हैं। पहली जो दवा इसमें मिली हुई है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम एक ऐसी दवा है, अगर आपके पेट में सूजन है या फिर आपके आंतों में ऐंठन या फिर भूख न लगना ऐसी कुछ परेशानियां है या फिर आपको खट्टा खाने की इच्छा है आदि रोगों के लक्षणों को ये दूर करती है। तो दोस्तों, यह जो दवा है अगर आपके यकृत या फिर पीला को सूजन है तो ये सूजन दूर करने में भी ये दवा आपको मदद करती है। अगर आपको ये जो पेट की बीमारियां है ये अगर आपको भय के कारण हो रही है या फिर भविष्य के प्रति आपको अनिश्चितता के कारण अगर आपको पेट की समस्या हो रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए एंटीम क्रूड जो दवा है दोस्तों वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों इसमें मिली हुई है वो है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी दवा है, अगर आपके पेट के म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहते हैं उसमें अगर कुछ परेशानियां आए तो उसको दूर करने में ये दवा बहुत ही यूजफुल होती है। अगर आपके आंतों को जलन या फिर सूजन जैसी बीमारी है तो ये दवा दूर करने में बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आपको उल्टी, ऐंठन और अति संवेदनशीलता जैसे कि विशेष करके शोर, उसके कारण अगर आपको कुछ परेशानियां हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये जो दवा है ये बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके आंतों के श्राव या फिर पित्ताशय में दर्द है तो ये दर्द दूर करने में ये दवा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों वो है कोलेसेंथिस। कोलेसेंथिस एक ऐसी दवा है, अगर आपके मुंह का जो स्वाद है वो लगातार आपको खराब महसूस हो रहा है तो ये जो स्वाद है या फिर आपकी जो फाउल स्मेल है मुंह की वो कम करने में ये जो दवा है वो बहुत ही यूजफुल है। अगर आपका जो पेट है वो बार बार खराब रहता है, बार बार उसमें जलन महसूस होती है, अगर आपका पेट फूलता है, आपके पेट और आंतों में अगर गैस की अधिकता हो गई है या फिर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, वैसी स्थिति में ये जो दवा है ये आपको बहुत ही यूजफुल दवा है। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो दवा है वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम ये दवा है आपको रोमेटिज्म यानी आम वात में बहुत ही उपयुक्त दवा मानी जाती है, लेकिन इसी के साथ अगर आपको पेट में सूजन है या फिर उल्टी या जलन जैसा महसूस हो रहा है, अगर आपके गैस, आपके आंतों और पेट में अगर गैस जैसी तकलीफ है तो इस दर्द का इलाज करने के लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपको किसी फूड का अगर स्मेल आया, फूड पकने का अगर आपको स्मेल आया और उससे अगर आपको नौशिया, मिचली या फिर उल्टी जैसे महसूस हो रहा है या फिर हो रही है तो उस परेशानी में ये जो दवा है ये बहुत ही मशहूर दवा है। दोस्तों, इसी के अलावा ये जो दवा है ये हृदय एवं रक्त संचार प्रणाली में भी सहयोग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों इसमें है नाइट्रमफॉस। नाइट्रमफॉस जो दवा है ये आपको एसिडिटी के कारण होने वाले
पेट या आंतों के रोग के लिए ये बहुत विशेष दवा है दोस्तों। इसी के साथ अगर आपको एसिडिक इरेक्टेशन है और आपको छाती में दर्द है, आपके स्टर्नम के यहाँ अगर आपको जलन हो रही है या फिर आपको इरेक्टेशंस बहुत ज्यादा है तो ये दवा जो है वो बहुत ही मशहूर दवा है। इसी के साथ आपकी जो पाचक ग्रंथियों की कोशिकाएं होती है उसको भी ये उसकी भी क्रिया को ये मजबूत कराने में ये दवा बहुत ही शक्तिशाली दवा है। इसमें नेक्स्ट जो दवा है वो है नक्स्वमिका। ये जो दवा है आपके पेट में अगर जलन महसूस हो रही है, सूजन हो रही है या फिर आपकी पाचक ग्रंथियां जो है वो उनको पुरानी बीमारी है, ये दवा जो है ये बहुत ही यूजफुल होती है ऐसे सिचुएशन में। आपको अगर गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी है तो ये दवा उसको भी दूर करने में काम करती है दोस्तों। आपके मुंह में अगर कड़वा स्वाद आ रहा हो या फिर आपकी कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसके लिए ये जो दवा है ये बहुत ही मशहूर दवा है। उसी के साथ नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है रोबिनिया। रोबिनिया ये जो दवा है ये आपके पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करता है। इसी के अलावा आपकी जो पाचन तंत्र की जो तकलीफें हैं जिससे पेट दर्द होता है ये इसके ऐसी बीमारियों के लिए ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ ये जो दवा है ये रक्त संचार प्रक्रिया यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को भी व्यवस्थित करने में ये दवा जो है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों इसमें मिली हुई है वो है मिलीफोलिया। ये बहुत ही एक अच्छी दवा है। इससे अगर आपके पाचन नली की क्रियाओं में कुछ बाधाएं आती है तो उसको दूर करने में ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ आपके पित्ताशय की क्रिया में कुछ गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को दूर करने में भी ये मिलीफोलियम जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों ये थी इसमें मिली हुई दवाइयां। अभी हम जानते हैं कि इसका डोज आपको कितना लेना है और कैसे लेना है। अगर आपको इस दवा को वयस्कों में देना है तो ये जो दवा है इसमें से आपको 15 या 20 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालना है और उसको अच्छे से मिलाकर आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। जैसे जैसे आपकी तकलीफें कम होती है वैसे वैसे इसका डोज जो है आपको कम करना है। अब अगर आप इसे दिन में 3 बार ले रहे हो तो आपको इसको दिन में 2 ही बार लेना है। और अगर आपको इसको बच्चों में यूज करना है तो उसके लिए आप 7 से 10 ड्रॉप जो है वो 1/4 कप पानी में डालकर बच्चों की परेशानियों के लिए ये जो ड्रॉप है ये आप दे सकते हो। ये जो एडल 5 जो ड्रॉप है ये 20 ml के सीसी में आता है। 20 ml जो ड्रॉप है आपको ये 10 से 15 दिन तक आराम से चल जाता है। तो दोस्तों ये था एडल 5 ड्रॉप के बारे में और उसमें वो किस किस चीजों में आपको काम आता है और आपको इसे कैसे सेवन करना है। दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।